हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक पाल आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल आईटीआई प्लेसमेंट में। फ्रेंड्स, मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट बहुत परेशान हैं, जैसे कुछ ग्रामीण क्षेत्र के या अदरवाइज ऐसी जगह जहाँ पर स्टूडेंट्स को थोड़ी सी नॉलेज नहीं है कि कैसे ब्लूप्रिंट्स जो 10th या 12th की होती है एग्ज़ाम की, वो कैसे डाउनलोड्स करें या उन्हें कैसे उन तक प्रोवाइड्स हो, उन तक नहीं पहुँच पाती है ये चीज़, और वो बहुत अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश में रहते हैं बट कम मार्क्स आते हैं। तो आज मैं उनके लिए ब्लूप्रिंट्स लेकर आया हूँ। बहुत से यूट्यूबर्स ने बताया है बट मैं बता देता हूँ आपको ब्लूप्रिंट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है वो ब्लूप्रिंट्स, सॉरी। देखिए फ्रेंड्स, इस बार सबने सुना ही होगा कि एनसीईआरटी का कोर्स चेंज हुआ है, एमपी बोर्ड्स में एनसीईआरटी का कोर्स आ गया है। तो मैं आपको बता दूं, 10th गणित एवं विज्ञान, ये दोनों का कोर्स चेंज हुआ है, ओनली गणित और विज्ञान का। तो मैं अभी गणित का आपको बता देता हूँ। हाई स्कूल शिक्षा सत्र 2018 से 2019, ब्लू प्रिंट फॉर क्वेश्चन पेपर, विषय जो है वो गणित है। इसका पूर्णांक वही रखा गया है 100 100, और समय भी वही है। मैं आपको बता देता हूँ, पहले से कुछ चेंजेस हुए हैं बट मुझे पहले का नहीं पता है। देखिए, वास्तविक संख्याएं, उनमें ओटी आएगी 1 नंबर की, और 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा और 1 4 अंक का आएगा। ऐसे 20 गणित में आएगा फ्रेंड्स, 20 गणित में से इन्होंने एक भी क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। और बहुपद में से 2 ओटी आएंगी, 2 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 1 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ऐसे ही 2 चर वाले रेखीय समीकरण में से 2 ओटी आएंगी, और आपको मैं बता दूँ 1 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ऐसे द्विघातीय समीकरण जो है चैप्टर्स, उसमें से आएंगे 2 ओटी आएंगी और 1 5 अंक का क्वेश्चन आएगा। और एक ये समांतर श्रेणियाँ, इसमें 2 अंक की ओटी आएगी, 1 4 अंक का क्वेश्चन आएगा। और त्रिकोणमिति में से इन्होंने कुछ भी नहीं लिया है, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति यहाँ से स्टार्ट हुआ है। त्रिकोणमिति का परिचय मैं आपको बता दूँ, इसमें 5 ओटियाँ आएंगी और 1 3 अंक का क्वेश्चन आएगा और 1 5 अंक का क्वेश्चन आएगा। और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इनमें 1 ओटी आएगी और 1 4 अंक का क्वेश्चन आएगा। और निर्देश ज्यामिति, ये इसमें 1 ओटी आएगी, 1 2 अंक का क्वेश्चन आएगा, 1 3 अंक का क्वेश्चन आएगा। मैं आपको बता दूँ, त्रिभुज, त्रिभुज में से 1 ओटी आएगी और 1 4 अंक का क्वेश्चन आएगा। और व्रत, व्रत में 1 2 नंबर की ओटी आएगी, 1 3 अंक का क्वेश्चन आएगा। और मैं आपको बता दूँ, रचनाएँ जो होंगी व्रत की, त्रिभुज की और जो भी कुछ हों रिलेटेड रचनाएँ, इनमें आएंगी। आपको बता दूँ, 1 5 अंक का क्वेश्चन आएगा। और क्षेत्रमिति में 15 अंक की ओटी आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा गलत हो गया। क्षेत्रमिति में जो है वो फ्रेंड्स, मैं आपको वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल से 2 अंक की 1 ओटी आएगी, 1 3 अंक का क्वेश्चन आएगा, 1 4 अंक का क्वेश्चन आएगा। और देखिए, क्षेत्रमिति, ये क्षेत्रमिति से आएगा। और देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन से भी आएगा, 1 ओटी आएगी और 1 5 अंक का क्वेश्चन आएगा। और देखिए फ्रेंड्स, सांख्यिकी, इससे आएगा 1 2 ओटी आएंगी और 1 5 अंक का प्रश्न आएगा। और मैं आपको बता दूं, प्रायिकता, इससे 1 ओटी आएगी और 1 2 अंक का प्रश्न आएगा। तो ऐसे ये ब्लूप्रिंट्स चेंज हुई हैं। ऐसे देखिए, मैं आपको बता दूं, 2 अंक के क्वेश्चन में लगभग 30 वर्ड्स ऐसे इन्होंने बताए हैं, बट इसमें तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है क्योंकि मैथ का एग्ज़ाम है। तो ये है कैंपस की सारी डिटेल्स। थैंक यू फ्रेंड्स।